हुजूर शहंशाह सरकार आलम पनाह हजरत हाजी व हाफिज सैयद वारिस अली शाह आजमुल्लाह ज़िक्रहू इरशाद फरमाते हैं कि जो नसीब फराज में रहेगा उसको खुदा नहीं मिलेगा और जो इससे निकल जाए उसकी निजात दुनिया ही में हो जाए। अजीज मन जो नसीब फराज में रहेगा उसको खुदा नहीं मिलेगा। नसीब फराज ऊंचाई निचाई बुलंदी पस्ती होना ना होना यकीन और शक शुभा यानी दो नाव पर पांव के बराबर है। अक्सर गुनाह के समंदर में गोता लगाने वाले भी तौबा करके इबादत करके थोड़े ही मुद्दत में 40-40 बरस के इबादत गुजारों को भी अपनी गिर्द में छोड़कर और कामयाब होकर दुनिया को महवे हैरत बना चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जब वो गुनाह की गंदी मंजिल में थे तो उनको नेकी का ख्वाब ख्याल तक ना होता था, क्योंकि उनकी मंजिल एक थी, चाहे गुनाह ही की क्यों ना हो। मगर जब उसने गुनाह के भयानक गार को देखकर तौबा किया तो भी उनकी मंजिल एक ही रही। पहले वो गुनाह से शैतान को खुश करते थे और अब तौबा इस्तगफार करके अल्लाह रसूल और कुरान को सीना से लगाकर मिसले परवाना तन मन धन की बाजी लगाकर हक अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे और वो देखते ही देखते अपनी इबादत और अपनी तस्दीक के जरिए अल्लाह की रहमतों के बादल को बरसाकर सारी दुनिया को महवे हैरत करके रख दिया और बहुत से ढोंगी और यकीन के कमजोर और बुजदिल फकीर मौज दाढ़ी बढ़ाकर सफेद हो गए, मगर राह तलब में गदागर के गदागर ही रहे। जानवर भी उनसे अच्छा होगा मगर उनका वजूद एक ढोंगी से ऊपर ना उठ सका। ऐसे ही लोग नसीब व फराज में कैद रहते हैं और जो उससे निकल गया वो कामयाब हो गया, वो दुनिया में ही सुरखुरू होकर जिंदा व जावेद हो गया। या वारिस या वारिस या वारिस।